नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दे जयपाल में। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं जवान मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें लोगों ने बहुत सारी गालियां दी मुझे कि मैं शाहरुख खान के कलेक्शन के मूवी के बहुत ज़्यादा गलत बता रहा हूँ, यानी कि लोग गाली दे रहे हैं, बुरनू लगा ये लगा वो। भाई खुद लगा लो अपने इस दिमाग पर जिसमें थोड़ा सा बोझ लगे आपको कि कितना कमा रही है मूवी। मैंने उस दिन डाला था 4 दिन का कलेक्शन, कुछ 110 करोड़ हिंदी में हुआ था, लेकिन लोगों के मिर्ची इतनी ज़्यादा लगी। वो लोग कौन थे? वो सिर्फ मुस्लिम समाज से लोग थे, तो उनको मिर्ची तो लगने वाली क्योंकि सलमान खान शाहरुख खान को सिर्फ अपना समझते हैं। भाई वो पूरी इंडिया का है, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं, मैं भी उसका फ़ैन हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आज 7 दिन हो चुके हैं, इस दिन का कलेक्शन देख लीजिए। टोटल इंडिया में कलेक्शन हुआ है 400 करोड़ आज तक, ठीक है। आज 6वां दिन यानी कि कल था, उसने टोटली 21 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए थे। अब आप सोच सकते हो 21 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए थे उसने, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर 21 करोड़ एक दिन का है तो 6वें दिन का, वो भी 6वें दिन तो भाई गदर 2 ने ही मान लो 30 करोड़ प्लस कमा लिए थे कुछ 6वें दिन टोटली केवल इंडिया में। और वर्ल्ड वाइड जब अगर वो रिलीज हुई थी, यानी कि बाहर चलती ज़्यादा, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कमाती। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई गदर से पंगा नहीं लेने का, समझे कि नहीं। शाहरुख खान है, मैं फ़ैन हूँ उसका। भाई 600 करोड़ प्लस पहुँच गई ये मूवी, खुशी है मुझे। मैं चाहता हूँ उसकी 1500 करोड़ तक पहुँचे और मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन गदर 2 से पंगा नहीं लेने का भाई साहब बिल्कुल। ये चीज़ क्या है, पूरा बॉलीवुड शाहरुख खान को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इस फिल्म को गदर 2 को आप देख सकते हैं किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, जबकि इसका टिकट गदर 2 से बहुत ज़्यादा महंगा है जवान का। और भी कई कारण हैं जिनको मैं बता नहीं रहा हूँ, पर चले इसके जो बात करते हैं, टोटल कलेक्शन इसका जो हुआ है 650 करोड़ 7 दिन के अंदर। आज का भी कुछ हो गया है 11 बजे तक का, ठीक है, अभी पूरे दिन का नहीं, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो 21 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसने 6वें दिन की है, वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको फोटो दिखा रहा हूँ मैं, पीछे लगा होगा आप लोग उस पर देख सकते हो, क्योंकि वो रेड चिली इंटरटेनमेंट्स ने खुद बना के डाला है कि इतना वर्ल्ड वाइड कमाया है। तो अब ये चीज़ आप लोग सोच सकते हो क्यों नहीं, जो मुझे गाली दे रहे थे उनके लिए तो मैं भाई कितना कहूँगा, बस देते रहो, मेरा क्या बिगड़ रहा है भाई साहब। आप लोग मतलब गाली मत दो, कोई अच्छी चीज़ लिखो, मैं आपका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। आपको पता है जो सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो झूठ बोलते हैं उनका साथ नहीं देता मैं। और मेरा ज्ञान मेरे पास है, आपका ज्ञान आपके पास है, मुझे पता है आप लोग वीडियो देखने आए हो तो कुछ ना कुछ बोल के जाओगे, तो कमेंट ज़रूर करते रहें। इस वीडियो पे भी करें, आप लोगों को मिर्ची लग रही है तो मिर्ची निकाल के जाएं अपने पिछवाड़े से, यहाँ रख दें मेरे कमेंट में, ठीक है, मैं उसको सहन कर लूँगा। लेकिन इसमें जो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, इन सबकी एटली की मेहनत है जो इतना कमा रही है मूवी। 650 करोड़ पार पहुंच चुकी है वर्ल्ड वाइड, 400 करोड़ इंडिया में इसने 7 दिन में कमाए हैं। तो और इसकी जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गदर 2 से ज़्यादा नहीं कमाएगी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1000 करोड़ से कहीं ज़्यादा पहुंच जाएगी ये फिल्म, तो मुझे उसकी बुराई नहीं है, मुझे उसकी खुशी है बहुत ज़्यादा कि अपनी इंडियन फिल्म में इतना ज़्यादा कमा रही है। लेकिन सच का साथ देना मेरा काम है, झूठ मैं नहीं बोलूँगा। तो बस इतना कहूँगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करते हो मज़ा नहीं आता भाई साहब, मज़ा इसलिए नहीं आता। अगर आपको बुरी लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, एक बटन दबाना, कमेंट में अपनी मिर्ची निकाल के जाना, ये भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप तो सब्सक्राइब का बटन भी लाल वाला नहीं रहा, वो भी सफ़ेद हो चुका है, तो तुम अपनी मिर्ची वहाँ तो निकाल नहीं सकते हो। तो मुझे पता है जो निकालने वाले हैं, जिनकी मिर्ची नहीं है, वो लाल टमाटर जैसे गोल हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे चैनल को। और दोस्तों बस ऐसे ही वीडियो देखते रहें, रोजाना जो गदर 2 से पंगा लेगा उसको ख़त्म कर देंगे भाई। बस इतना ही है, वीडियो समाप्त करता हूँ, जय हिंद।